हे गाइस, वेलकम बैक टू आई चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाफिंग टॉपिक। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ये फिफ्थ टॉपिक मैं बना रहा हूँ। मैं बहुत दिनों बाद BBA की टॉपिक डाल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। आई वॉज बिजी इन सम अदर वर्क्स एंड टूडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन लैपटॉप स्क्रीन। अभी के लिए कुछ दिन ऐसे ही वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, लैपटॉप पे। उसके बाद मैं फिर से बोर्ड पे कंटिन्यू करूँगा आप लोग के लिए। तो ठीक है, तब तक जो भी लोग चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं ऐसे ही BBA MBA की टॉपिक लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टाफिंग जानते हैं क्या होता है, पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर ए स्पेसिफिक पोजिशन। हम लोग स्टाफिंग क्यों करते हैं कि हम लोग कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में अगर हम लोग को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, न्यू पर्सनल की ज़रूरत है, तो हम लोग स्टाफिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, और भी हमारे जो भी और सारे पोजीशन जैसे मार्केटिंग की पोजीशन है, HR की पोजीशन है, वो सब अगर वैकेंट रहते हैं तो वो सबको फुलफिल करने के लिए हम लोग स्टाफिंग करते हैं। बहुत सारे जॉब पोजीशन के रोल आते हैं हर हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, तो इसलिए हम लोग स्टाफिंग करते हैं, ठीक है। इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज बाई इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली। हम लोग ऐसे नहीं स्टाफिंग करते, ये नहीं कि किसी को भी बुलाए और उसको जॉब पे रख ले, ऐसे तो नहीं कोई करता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि उसको पहले देखते हैं कि उसमें वो नॉलेज है कि नहीं, उसमें वो एबिलिटी है कि नहीं, उसमें वो स्किल्स है कि नहीं, तभी तो उसको कोई जॉब पे रखेंगे। बिना उस स्किल्स के या नॉलेज के या फिर उसके बिना डिग्री के तो हम लोग ऐसे जॉब पे नहीं रख लेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव स्किल्स देखते हैं, उसकी क्वालिटेटिव स्किल्स देखते हैं, बहुत सारे उसके पर्सनैलिटी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। ये सब भी हम लोग किसी भी कंपनी में जाओगे या देखोगे तो वो सब ये सब चीज़ को देखते हुए आपके इंटरव्यू लेंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो वो लोग हायरिंग करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप फॉर्म भरे सीधा वो लोग हायर कर लें, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सब हम स्टाफिंग से यही जानते हैं कि अगर किसी कंपनी में पर्सनल की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तभी लोग वो सब स्टाफिंग करते हैं हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये था स्टाफिंग का डेफिनेशन। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये है क्या फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टाफिंग से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टाफिंग से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट इसका है, मैं अगर हाईलाइट करूँ यहाँ पे, हाँ, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग से आप लोग क्या समझ रहे हो, जैसे कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सनल फॉर डिफरेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम लोग कैसे करते हैं स्टाफिंग? फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि किसी भी कंपनी में अगर जॉब की वैकेंट सीट है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं किस जॉब रोल के लिए हम लोग इम्प्लॉयज़ की चाहिए। जैसे हम लोग मार्केटिंग के लिए चाहिए, HR के लिए चाहिए, CS ब्रांच के लिए चाहिए, टेक्निकल और सारे फील्ड इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए, बहुत सारे हम लोग किसी भी कंपनी है, जैसे मेरी ही कंपनी है, ठीक है, सपोज करो, तो वहाँ पे हम लोग, अब मुझे चाहिए अगर मार्केटिंग बंद तो मैं मार्केटिंग के लिए वैकेंसी निकालूंगा, ऐसा तो नहीं ना मैं HR के लिए निकालूंगा। तो पहले मैं फॉर्मल देखूंगा कि मुझे किस चीज़ के लिए जरूरत है, किस जॉब किस पोजीशन के लिए जॉब मुझे वैकेंसी निकालनी है, ठीक है। तो वैसा मैं देखता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं क्वालिफाइड पर्सनल ढूंढूंगा, मैं लिंक्डइन पे मैं हर जगह पोस्ट करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तभी तो मुझे, तो ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट टास्क रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं देखता हूँ फंक्शन क्या है इन स्टाफिंग, द राइट पर्सन इज रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब्स, देयरफॉर इट लीड्स टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हायर परफॉर्मेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग राइट पर्सन चुनते हैं, ठीक है, राइट पर्सन चूज करते हैं। अगर आप लोग गलत पर्सन चूज कर लोगे किसी जॉब के लिए, अगर मैं मार्केटिंग के बंदा को मैं बोलूंगा कि मैं मार्केटिंग की जगह HR के बंदा को अगर उस मार्केटिंग के रोल में लाऊंगा तो वो कर पाएगा, तो वो तो नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो राइट बंदे को ढूंढे कि वो मेरा काम को पूरा कर सके और उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो जनरेट कर सके और हायर परफॉर्मेंस वो दे सके। क्योंकि आप अगर गलत कैंडिडेट को चुनते हैं तो वो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑफिस के लिए वो डिक्रीज होगा, उसका कोई रोल ही नहीं कर पाएगा वो ऐसा, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। अगर मैं तीसरी फंक्शन की बात करूँ, इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स। ये तो मैं हर बार रिपीट करता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये हर जगह आपको मिलेगा पॉइंट्स, ये BBA MBA हर जगह देखने को मिलेगा। देखो, अगर अच्छे कैंडिडेट को लाओगे जो इसका स्किल्स है, नॉलेज है और वो स्पेशलाइज्ड है किसी चीज़ में, मार्केटिंग में, HR में, फाइनेंस में, तो ये सब क्या है, उसके लिए ऑटोमेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करेगा, तो वो देख के हर चीज़ को करेगा।
क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कैसे काम करना है, हर चीज़ को देख परख के जो भी होता है ना बोला जाता है वो डिसीजन लेगा। तो ये सब हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, वो हर एस्पेक्ट से देखेगा, ठीक है, तब वो डिसीजन लेता है। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ अगर देखें, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर इंक्रीजेस थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन। देखो जॉब सेटिस्फैक्शन कब होती है किसी भी कैंडिडेट को, जब तक उसको राइट जॉब मिले। अगर मैं मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं किसी कंपनी में गया, वो मुझे चलो वो मुझे जॉब तो दे दिया बट मुझे उस तरीके की सैलरी नहीं दे रहा है, क्या मुझे जॉब जॉब करने की सेटिस्फैक्शन मिलेगी? वहाँ तो नहीं मिलेगी, वहाँ तो मेरी मोरल मोरल ही डाउन हो जाएगी। मैं काम भी करूँगा तो अच्छे से नहीं करूँगा, मैं तो शुरू में ही सोचूंगा रिजेक्ट कर दूंगा, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मैं रिजेक्ट कर सकूँ। तो ये होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन में तभी मिलती है जब आपको राइट जॉब मिलती है, ठीक है। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क इन ए कंपनी इन अ ऑर्गेनाइजेशन देन सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, राइट पर्सन अगर चूज करोगे, बी अ राइट पर्सन, देन कंपनी ग्रो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो क्या होता है, स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। या फिर यही पॉइंट आया है, यही होता है कि स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, स्टाफिंग हेल्प करता है। अगर हम लोग राइट पर्सन चूज करेंगे तो वो हमें राइट काम देगा हर जगह, वो हमेशा इफिशियंट रहेगा, वो डिसीजन अगर कंपनी में कोई चल रहा है तो वो लेने में हेल्प करेगा, वो अपना रिव्यूज देगा, वो अपना कमेंट करेगा किसी चीज़ पे कि आप ऐसे करो तो यहाँ पे ये डिसीजन है। मार्केटिंग का काम होगा तो मैं मार्केटिंग बंदों को बुलाऊंगा, मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं उसे रिव्यूज़ मांगूंगा, मैं इस में ऐसे में प्रोजेक्ट है तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे उसका रोल होगा स्टाफिंग ऑप्शन इंबिटर ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं सिक्स पॉइंट की बात करूँ तो क्या, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। इस मैनेजर्स का भी रोल होता है, मैनेजर अगर कोई भी हायरिंग कर रहा है तो ठीक है वो एचआरडी का बंदा है तो मैनेजर देखेगा ना, मैनेजर अगर एचआर दिया मैनेजर को टास्क, ठीक है, मैनेजर एचआर तो हायर करता है, ठीक है, एचआर लेता है, उसका मैनेजर क्या देगा, उसको ट्रेनिंग देगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देगा 2-3 महीने की या 1 महीने की, उसके बाद उसका देखेगा कि उस काम को वो कर पा रहा है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप लोग राइट पर्सन को अगर ट्रेनिंग दोगे अगर उस जॉब पोजीशन के लिए, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन की। अगर गलत बंदे को चूज कर लो, मैं कितनी बार बोलूँ, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ग्रोथ ही नहीं होगा, कुछ उस कंपनी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो उसमें उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट मैनेजर्स के भी होते हैं कि मैनेजर अगर राइट पर्सन को चूज़ करे किसी कंपनी के लिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करेगा ही, ठीक है। तो वैसे ही होता है कॉन्टिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, इम्पोर्टेंस की क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है इसकी इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन कम, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ कि इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन लाइक कॉम्पिटेंट, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉम्पिटेंट पर्सनल, अगर मैं क्या बात करूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी में अगर इम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, एक जॉब की हायरिंग की एक पैम्पलेट मैं पब्लिश करूँगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करूँगा फेसबुक लिंक्डइन इंस्टाग्राम हर जगह, ये मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा। तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे अगर मेरी कंपनी में इम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा और हायर करूँगा मुझे जॉब पोजीशन के डिफरेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या चाहिए, इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन में भी सही रहना। ऐसा तो नहीं है ना मेरी कंपनी अगर मार्केटिंग में अच्छी है तो मुझे हर तरफ से तो देखना पड़ेगा, मेरे एचआर की सही है कि नहीं, मेरी फाइनेंस सही जा रही है कि नहीं। कंपनी में तो कोई एक ही तो नहीं रहता है ना बंदा कि सारे को हैंडल कर ले, मुझे हर चीज़ की और भी देखना पड़ता है इफिशियंट परफॉर्म। अगर आप लोग फाइनेंस में ठीक करो, ठीक है, फाइनेंस की इक्वल रखो, एचआर की इक्वल रखो, फिर स्टाफिंग आप लोग सही कर रहे हो, मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हो, टेक्निकल वर्क भी आपका अच्छा है, तभी तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। अगर पाँच छः जो भी जितने भी वर्क है अगर सबका बैलेंस अगर नहीं इक्वल लेके चलोगे तो कोई कंपनी ऐसा तो नहीं है कोई ग्रो करेगी। इसलिए हमेशा इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर हम लोग किसी चीज़ अगर किसी जॉब पोजीशन अगर हम लोग वहाँ पे सही नहीं चल रही है, मार्केटिंग अगर सही नहीं चल रही, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, न्यू स्किल्स वहाँ पे लाऊंगा, मैं न्यू एम्प्लॉयज़ को लाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग में हो गया या फाइनेंस में हो गया, तो वहाँ पे मैं देखूंगा कि मुझे और भी बंदे चाहिए और जो मुझे इस काम को अच्छे से करके पूरे से करके दे सके। तो वहाँ पे मैं हर फंक्शन को इक्वल
इक्वल वेटेज देता हूँ, ठीक है, देना पड़ता है मतलब हर कंपनी को, ठीक है। तो वो सब होता है इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूँ तो इफिशियंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। देखो एक मैं टॉपिक बता रहा था कि हमेशा अपडेट्स पे रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। अगर जैसे कि कोई भी टीचर आजकल आप तो देखते हो, पहले वो क्या करता है, पहले आज 90s के ज़माने में क्या होता था, ब्लैक बोर्ड ये सब पढ़ाया जाता था। आज देखते हो स्मार्ट बोर्ड हो गया, इंटरनेट हो गया है, तो ये सब आज जैसे कि हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इफिशियंट यूज टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। अगर मैं यही चीज़ करूँ कि अभी भी कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ा रहा है, तो बच्चे उतना क्या होगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहता है उतना, मतलब उनका मन नहीं लगता है, ठीक है, वहाँ पे वो सही से नहीं कर रहे बात है। तो उसी को अगर टेक्नोलॉजी के साथ चले, जैसे ही कोरोना या कोविड ये सब लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन आ गया सारा प्लेटफॉर्म, तो ये सब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ वहाँ पे। तो उसी तरह क्या करती है कंपनी, अगर आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंकडिन है, तो व्हाट्सएप है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पे भी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, अपना शेयर करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो तो नहीं है कि ऐसा कंपनी अपना ऑफलाइन लेके चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई भी कंपनी, तो वो अपना ऑनलाइन भी चाहते हैं कि हमारा कंपनी ग्रो हो, ठीक है। तो ये सब इसलिए इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज का भी यूज़ रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये तो हर जगह जानते हो, ठीक है। ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग। आप लोग अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, और आपका बहुत सारा पैसा उस कंपनी का यूज़ हो रहा है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में। वहाँ पे आप बुला रहे हो, उनको बैठा रहे हो, उनका हर कुछ देखना पड़ता है, उसके पर्सनैलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब पे भी आप लोग टाइम देते हो, तो वहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो ये सब भी देखना जाता है स्टाफिंग में कि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कैंडिडेट्स को मैं बुला रहा हूँ तो कैंडिडेट्स को भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बुला के छोड़ दूँ उनको, तो रहने ये सब का भी होता है स्टार्टिंग में, तो ये सब उनका एकोमोडेशन, ये सब फूडिंग, ये सब में भी यूज़ होता है। तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग में भी ये सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, मैन पावर रिक्रूटमेंट, या मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखो डेवलपमेंट क्या होता है कि आप लोग जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है आपकी कंपनी में, मैंने कितनी बार बताया है कि, तो आप उसी को रिक्रूट करोगे ना जो आपका राइट जॉब रोल कर सके। तो यही होता है कि डेवलपमेंट हमेशा ज़रूरी होता है कि हमेशा आप लोग न्यू स्किल्स लाओ कंपनी को, ऐसा नहीं रखो कि एक जगह कांस्टेंट बैठा के चलो, हमेशा न्यू जॉब रोल लाओ, हमेशा अपने कंपनी को ग्रोथ पे रखो, कि हमेशा मैन पावर रिक्रूटमेंट हमेशा लाओ अपनी कंपनी में कि मुझे इससे स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे आज इंस्टाग्राम पे अगर बिजनेस डालनी है तो इंस्टाग्राम के बंदे लाओ, कि वो अगर इंस्टाग्राम अच्छा है, जानता है मार्केटिंग करना, तो मैं इंस्टाग्राम के ही बंदे वहाँ पे मैं रोल निकालूंगी जिसको जिसको मार्केटिंग से बहुत अच्छे से आती है, एचआर की बहुत अच्छे से आती है, तो मैं वहाँ पे देखूंगा ना डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे मैं मैन पावर रिक्रूटमेंट देखता हूँ, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ हम लोग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हुआ कि द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन ही बहुत जरूरी है, आप लोग हर जगह देखते हो आज, जैसे यूट्यूब पे देखते हो कि विवेक बिंद्रा सर है, संदीप महेश्वरी सर है, ये सब क्या है, एक तरह से मोटिवेटर है, मोटिवेट करते हैं। उसी तरह जब तक आप लोग अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके नहीं रखोगे, उनको हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं देके चलोगे, तो वो कोई भी वहाँ पे काम नहीं करना चाहेगा। तो हमेशा क्या, मोटिवेशन भी जरूरी रहना चाहिए, बिल्डिंग हाई मोरल रहना चाहिए आपका, हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको उनको सेटिस्फैक्शन दो, उनको मोटिवेट करो। तो ये सब क्या है, बिल्डिंग हाई मोरल रहना चाहिए, उनका हमेशा साथ दो, उनकी बातें सुनो, तो उनकी रिव्यूज़ लो, बहुत सारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, बिल्डिंग हाई मोरल रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग है फोर्थ पॉइंट है, चार पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तो पहला क्या होता है, पीपल सेंटर। पीपल सेंटर मतलब क्या होता है कि आपको टॉप टू बॉटम देखना पड़ता है, टॉप टू बॉटम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। टॉप टू बॉटम मतलब क्या, कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कि उनको आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट भी उनकी लेते हो, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी भी देखते हो। तो ये सब क्या होता है, एक पीपल सेंटर होता है, ठीक है। तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, वो उनको कैसा बोल लें, ठीक है, उनका वो उनका आप करियर गो उनका करियर देखोगे, उनकी क्या क्या का डिग्री है, किस चीज़ की डिग्री है, मतलब क्या है जॉब रोल के लिए वो लोग आए हैं, ठीक है। तो ये सब आप पीपल सेंटर देखते हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हो उनकी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर भी बहुत यहाँ पर ज़्यादा रोल करती है, कि मैनेजर उनको ओवरऑल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनको ओवरऑल डेवलप करते हैं। मैनेजर का यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है हर कंपनी में,
उनको ओवरऑल ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना उनकी, उनकी हमेशा देखना कि अगर वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन देते रहना, तभी तो कोई भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करना चाहेगा। वैसे तो नहीं होगा एक ही सैलरी पे वो काम करेगा, तो हमेशा उनको डेवलपमेंट की भी सोचनी पड़ती है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ह्यूमन स्किल्स देखते हैं वहाँ पे, ह्यूमन स्किल्स मतलब ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन मतलब क्या कि अगर आप किसी कंपनी में देख रहे हो, वहाँ पे अगर सब सब इम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, सब में इक्वली वेटेज रहेगा, तो वहाँ सब लोग क्या होगा, कंपनी ग्रोथ भी करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा क्या रहना है, ह्यूमन रिलेशन कोऑर्डिनेट हमेशा सबका रहना चाहिए। हमेशा अगर सब में जैसा ही रहेगा, मतलब हमेशा कोई अगर एक दूसरे बातचीत ही नहीं करे, मतलब सब में ऐसा रहे कि ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिलेशन किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस, तो ऐसा नहीं किसी को 15,000 की सैलरी दे रहे हो तो उसको 20,000 की दो दूसरे को, ऐसा तो नहीं है, सबको इक्वली वेटेज देना चाहिए। हमेशा जो भी सीईओ है कंपनी की, तो उनको क्या करना चाहिए, सब मैनेजर से उनको सबको इक्वल सैलरी देनी चाहिए। अगर किसी, हाँ मैं ऐसा नहीं मानता कि सबको इक्वल है, मतलब मैनेजर की पोस्ट के अलग मतलब अलग सैलरी रहती है, मतलब जो भी इंप्लॉयज़ की मैं बात करूँ सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए कंपनी में, ठीक है। अब मैं बात करूँ स्टेप्स की, स्टेप्स में आती है टोटल 10 पॉइंट्स आती है, ठीक है। पहला है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लान, ठीक है। मैं जैसा बताया कि अगर मुझे किसी मेरी कंपनी में, सपोज करो मेरी कंपनी में जॉब की ज़रूरत है मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस की, ठीक है, तो मैं इसमें जॉब रोल पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा मुझे मैन पावर कितने चाहिए, अगर मुझे 15 लोगों की ज़रूरत है तो मैं 15 लोगों को मैं हायरिंग निकालूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं देखूंगा उनकी क्वांटिटेटिव स्किल्स, उनकी एक फॉर्म भराऊंगा, उनकी टेस्ट लूंगा, उनकी क्वालिटेटिव स्किल्स भी देखूंगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखूंगा वहाँ पे। तो ये सब मैं क्या करूँगा, मैन पावर प्लानिंग में करूँगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या करूँगा, फिर उसको रिक्रूट करूँगा, उनकी इंटरव्यू लूंगा और उनसे पूछूंगा, जब मतलब बहुत सारे सवाल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, मैं उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ला लूँगा, फिर उनकी सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। अगर मुझे जो बंदे चाहिए होंगे तो मैं उसको रखूँगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में डाल लूँगा। अगर मान, वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे उसका, अगर मुझे बंदे की मुझे अभी नहीं ज़रूरत है बट बाद में उनकी ज़रूरत है, अभी तो मैंने 15 लोगों को बुला लिया बट उसमें मैं आए 20 लोग, और वो 20 लोग में भी मुझे 5 बंदे और अच्छे लगे, ठीक है, मतलब 20 में मुझे 20 अच्छे लगे बट मुझे 15 की ही ज़रूरत है, तो मैं 15 को ही सिलेक्ट करूंगा। मैं बाद में पहले 5 है जो उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा, बट मैं क्या करूंगा उनको लास्ट में, अगर मैं कभी मुझे कभी इन फ्यूचर कंपनी मुझे ज़रूरत पड़ी उनकी, तो मैं उनको फिर से कॉल करूंगा। तो ये नहीं कि उनकी मैं नंबर नहीं रखूंगा उनकी, क्योंकि वो 5 लोग ही मुझे आगे जाके ज़रूरत हो सकती है मुझे कंपनी में, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं वेटिंग लिस्ट भी, आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, जिस चीज़ के मैं सिलेक्ट हुआ, मतलब 15 है, 5 मार्केटिंग में हुए, 5 फाइनेंस में हुए और 5 हो गए एचआर में, तो मैंने सिलेक्ट किया डिफरेंट पोजीशन पे। तो ये होता है डिफरेंट जॉब पोजीशन में जहाँ डाला, ठीक है। ट्रेनिंग होता है, फिर उनका ट्रेनिंग होता है, किसी कंपनी में 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, किसी बंदे में 4 मंथ की, किसी 3 में। ट्रेनिंग के बिना तो कोई जॉब ऐसा तो नहीं है, आपको समझ जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ ट्रेनिंग होती है, ये सब होती है, ठीक है। तो यार प्रॉपर डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए, उनको हमेशा क्या देना चाहिए, उनको हमेशा मोटिवेट करो, ठीक है, उनको हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। उनको हमेशा क्या करो, उनकी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, उनको हमेशा बोनस ये सब दो, ठीक है, प्रोमोशन ये सब होता है उड़े, तो उन्हें क्या होता है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है, ठीक है। वहाँ से उनकी उनकी माइंड उनकी माइंड भी चेंज होती है उस कंपनी में चेंज काम करते करते, तो ये सब भी होता है ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। प्रोमोशन तो जैसे मैंने बताया अभी, प्रोमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में, तभी तो कोई एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएगा। बिना प्रोमोशन के तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है दुनिया में, कोई भी करेगा, ठीक है। ट्रांसफर क्या होती है, ट्रांसफर आप सभी जानते हैं, ट्रांसफर मीन द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट इंक्रीमेंट इन पे स्टेटस और डिस्पॉज। देखो हर हर कंपनी में अलग अलग होता है रोल, मैं जानता हूँ ट्रांसफर कहीं कहीं और भी सैलरी बढ़ती है, बट यहाँ पे किसी किसी इंक्रीमेंट भी नहीं होता है। स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आप जैसे कि अगर पुणे में हो, ठीक है, पुणे से मैं किसी बंदे को बोलूँगा आप मुंबई जाइए काम करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे अलग होगी, पुणे में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, ठीक है। तो ये सब होता है ट्रांसफर से। अप्रेजल क्या होता है, हमेशा उनको मैंने जैसे बताया मोटिवेशन दो उनको मोटिवेट करो, उनको बोनस दो, प्रमोशन ये सब दो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो कंपनी में, उनको कोऑर्डिनेट करके रखो, सबसे बातचीत करो, ऐसा तो नहीं है कोई एम्प्लॉय आ रहा तो वो चुपचाप बैठा अपना बैठा हुआ है ना किसी से बात कर रहा है, उनको हमेशा जॉब रोल के लिए, जैसे जॉब रोल के लिए बुला रहे हैं उसको हमेशा सब जो भी आपके एग्जिस्टिंग है एम्प्लॉय उनसे बात करो, उनसे बातचीत करो, उनकी कोऑर्डिनेट करो, तभी तो वो लोग जान पहचान रखेंगे, ठीक है।
तभी तो रिकॉग्निशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब होती है अप्रेजल। ठीक है, मैं 10th पॉइंट की बात करूँ तो क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन, ये सबसे सबसे क्रूशियल पॉइंट होती है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? रिम्यूनरेशन मतलब होती है आपको वेजेस कितना दे रहे हो उनको, सैलरी कितना दे रहे हो। ठीक है, सैलरी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी, मैं ही अगर सिलेक्टर, मैं ही एचआर हूँ वहाँ पे, अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी बंदे को एज ए मैनेजर, ठीक है, तो मैं वहाँ पे सैलरी उसको कितना दूंगा, तो ये तो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होती है वहाँ पे, क्योंकि मैं हर बंदे को इक्वल वेटेज देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है किसी मैनेजर, किसी भी एचआर के लिए, कि उनको सैलरी कितना देना है। तो इसलिए ये पॉइंट को हमेशा ध्यान से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ को देखते हुए। ठीक है, तो ये हमारी थी 10 प्रोसेस 10 स्टेप्स। ठीक है, तो ये सब मैं स्टाफिंग अप्रोड आपको बताया। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हुई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, BBA MBA ऑल कॉलेजेस के नेम से, मैं सारे के लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।